नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित साक्यवार के निर्देशन में मुरैना जिले में अवैध हथियार एवं शराब तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसे अभियान के अंतर्गत अम्बाह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरिश्चंद्रपुरा नहर रोड पर अवैध हथियारों की तस्करी की सूचना अम्बाह पुलिस को प्राप्त हुई। उस पर से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को एक खेत में पीला थैला लिए खड़े थे और पुलिस को देख कर भागने का प्रयास कर रहे थे। अम्बाह पुलिस ने चोरों चारों ओर से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता अर्जित की और पकड़ने के बाद पुलिस ने थैली की तलाशी ली तो उसमें अवैध हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें दो पिस्तल, 32 बोर की 8 कट्टा, 315 बोर के 11 राउंड जब्त किए गए हैं। जो आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की है, दोनों आरोपियों के ऊपर पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पिछले काफी समय से जो माफिया हैं उन पर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों में रेत के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। उसी तारतम्य में एक टीम, विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर टीम को भी साथ में लगाया गया। अम्बा SDOP और TI अम्बा रविंद्र कुमार, उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, इस पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की। उसी तारतम्य में कल 13 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के हरिश्चंद्र की बुलिया नहर के पास वो खड़े हुए हैं, उनके पास एक बैग भी है पीले कलर। पुलिस को तत्काल मौके पर भेजा SDOP और TI के नेतृत्व में। ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और मैं पूरी अम्बा पुलिस की टीम को पूरी उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से जो अभियान चल रहा है उसमें एक ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसमें दो पिस्टल 32 बोर की, एक कट्टा 12 बोर का और 7 कट्टे 315 बोर के उनसे जब्त किए गए हैं, जिसमें कि 13 राउंड भी हैं। आगे उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किसको देने वाले थे और ये कहाँ से लेकर आए। अभी उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनको रिमांड पर लिया जाएगा। उसमें जो भी पूछताछ और भी चीज़ें आई वो आप लोगों के सामने आपको बताएंगे। मुरैना से संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।